दोस्तों, भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान को लेकर बीसीसीआई में काफी जद्दोजहद चल रही है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज हारने के एक दिन बाद ही टेस्ट कप्तानी भी छोड़ने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद अब टेस्ट कप्तानी किस खिलाड़ी को दी जाएगी इस बात पर मंथन चल रहा है। रोहित शर्मा का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है, इसी के लिए रिकी पोंटिंग ने भी अपनी राय सामने रखी है। जानिए क्या कहा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रिकी पोंटिंग ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में भारतीय क्रिकेट कप्तान के सवाल पर आईपीएल का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने मुझे कप्तानी के लिए ही आईपीएल में खरीदा था, लेकिन शुरुआती समय में मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, जिसके बाद फ्रेंचाइजी ने मुझसे कहा कि किस खिलाड़ी को कप्तान बनाया जा सकता है। तब मैंने रोहित शर्मा का नाम लिया था, वह एक कुशल खिलाड़ी है। दोस्तों, बता दें कि रिकी पोंटिंग ने अपनी बातचीत में आगे कहा कि रोहित शर्मा को उस समय अपना सहयोग देने का रिजल्ट बिल्कुल सटीक निकला। वो 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुके हैं। पिछले 3 सालों में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। केएल राहुल की बात की जाए तो मैंने इस बारे में सुना है, लेकिन मेरी राय है रोहित शर्मा एक कुशल खिलाड़ी है। वहीं केएल राहुल की बात की जाए तो केएल राहुल अभी नए हैं।